तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में हमें किन बातों को ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करके आना है। इसके अलावा जो 3 घंटे हमें मिलने वाले हैं उसमें हमें पेपर को कैसे मैनेज करना है। मेरे खुद के इंग्लिश में 95% मार्क्स आ चुके हैं, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देख लो, एंड इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो के बाद शायद आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स फ्री में इंक्रीज होने वाले हैं। शुरू करते हैं, बट उससे पहले यार काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि भैया अभी तक हमारे सिलेबस नहीं हुए हैं, भैया रिविज़न नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आप सभी से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि लास्ट का टाइम चल रहा है, एंड मोमेंट आ गया है, हार नहीं माननी है। तुमने पूरे साल मेहनत करी है, दिन भर रात भर जग के पढ़ाई करी है, अब आके हार मत मान, ठीक है। मेरे भाई मेरी बहना, आपका बड़ा भाई हूँ, एक बड़े भाई होने के नाते ये बोल रहा हूँ कि एंड मोमेंट तक फाइट मार, ठीक है, एंड मोमेंट तक फाइट मार, क्योंकि तू एक वॉरियर है, तू एक फाइटर है, तू एक वॉरियर है, और वॉरियर कभी हार नहीं मानता है, ठीक है। तो उसने डर मत, राहुल भैया तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल जो बच्चों को आता है कि भैया पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब कि किस ऑर्डर में हमें पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो यार, काफ़ी लोग आपको अलग अलग एडवाइस देंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पहले रीडिंग करो, पहले कुछ लोग बोलेंगे पहले लिटरेचर करो। देखो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप वो बच्चे हो जो कि हमेशा प्री बोर्ड अपने हाफ ईयरली में और जितने भी आपके पेपर हुए स्कूल में, अगर आप इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते आ रहे हो तो आप इस ऑर्डर में अभी भी अटेम्प्ट करो। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि प्री बोर्ड हाफ ईयरली जितने भी आपके एग्जाम हुए उसमें आप इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते आ रहे हो, तो अभी भी आप बोर्ड एग्जाम में इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करो। कहने का मतलब ये कि भाई एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट पे हमें ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, ठीक है। जिस तरह से आपकी प्रैक्टिस करी है, जिस तरह से आपने सैम्पल पेपर सॉल्व करे, जिस तरह से आपने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करे, वैसे ही हमें बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आना है। बट अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि भैया आप बताओ कि आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा, तो मैं यार मैं यही बोलूँगा कि कभी भी इसको लास्ट में मत करना, ठीक है। तुम खुशी को भी शुरुआत करो, तुम इसको पहले शुरुआत करो, तुम इसको पहले स्टार्ट करो, बट कभी भी इसको लास्ट में मत करना। बिलीव मी, बहुत बड़ा तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारा पेपर मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ग्रामर और राइटिंग को इसको कभी भी लास्ट में नहीं करना है, ठीक है। पहले कर सकते हो या फिर सेकंड नंबर पे कर सकते हो, बट कभी भी लास्ट में मत करना, क्योंकि राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी, जो हमारी क्रिएटिव स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि हमें इसमें नया बिल्कुल लिखना पड़ता है। लिटरेचर में हमें ऑलरेडी पता है आंसर, हमें पढ़ रखा है कई बार, ठीक है। यहाँ पे तो मैं पैसेज में से ढूंढ के तो मैं आंसर निकालना है, बट इसमें हमें खुद की एक क्रिएटिविटी हमें लिखनी पड़ती है लेटर में या फिर पैराग्राफ हो गया। तो इसलिए कभी भी इसको हमें लास्ट में नहीं रखना, क्योंकि अगर तुम लास्ट में रखोगे, तुमने 2 घंटे पेपर कर लिया, तो लास्ट में हमारे थॉट्स, हमारे जो राइटिंग स्पीड है वो भी काफ़ी ज़रा थक, हम लोग थक जाते हैं बेसिकली, तो हमारे थॉट्स हमें नए दिमाग में नहीं आते हैं। तो इसलिए कुछ भी तुम स्टार्ट करो, इसको कभी भी लास्ट में नहीं करना है, ठीक है। तुम रीडिंग सेशन में शुरुआत कर सकते हो, उसके बाद ये कर सकते हो ग्रामर राइटिंग, और लास्ट में तुम लिटरेचर कर सकते हो, क्योंकि लिटरेचर तुम्हें ऑलरेडी आता है और तुमने उसके आंसर वगैरह तुम्हें पता ही होंगे, तुमने चैप्टर वगैरह पढ़ रखे, तो इसको हम लास्ट में भी कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला कि इसको कभी लास्ट में नहीं करना, बहुत बढ़िया। तो ये तो होगा हमारे पेपर का अटेम्प्ट। इसके बाद आता है कि भैया जो मार्क्स हमारे कहाँ कहाँ कट सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्किप मत करियो, स्किप मत करियो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि इंग्लिश के पेपर में ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे हमारे मार्क्स कट सकते हैं। सबसे पहली बात कि भाई आंसर फ्रेमिंग में हमारे मार्क्स कट सकते हैं। इसका मतलब क्या है भैया कि देखो, जब भी तुम कोई भी आंसर लिख रहे हो, ठीक है, आपके जो लिटरेचर वाला पोर्शन है मैं उसकी बता रहा हूँ, जब भी तुम कोई भी आंसर लिख रहे हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, चाहे वो तुम्हारे लॉन्ग आंसर हो, पहले उसको एक रफ में एक पॉइंट्स बना लेना, ठीक है। सीधा शुरू मत करना, ये नहीं कि भैया क्वेश्चन देखा सीधा हमने लिखना शुरू हो गया, नहीं ये नहीं करना। पहले उसका हमें माइंड में या फिर एक छोटे से रफ में लास्ट पेज पे या फिर कहीं भी साइड में भी तुम एक छोटे पॉइंट बना लो कि मैं कैसे शुरुआत करूंगा, कैसे मैं इसका बीच में इंफॉर्मेशन लिखूंगा, और कैसे मैं इसका लास्ट में कंक्लूजन लिखूंगा, ठीक है। हमेशा 2 या 3 पैराग्राफ में आंसर को तोड़ सकते हो, ठीक है। खासकर लॉन्ग आंसर को हमें 2 से 3 पैराग्राफ में तोड़ना है। पहले स्टार्टिंग का कुछ स्टाफ का स्टार्टिंग कि वो जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद बीच में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो, और लास्ट में अपना एक कंक्लूजन लिख दो। तो ऐसे तुम्हें पॉइंट्स को पहले ड्राफ्ट में बनाना है, उसके बाद तुम्हें आंसर शुरुआत करना है। अगर तुम सीधा आंसर शुरू करोगे फिर तुम्हारे पॉइंट्स तुम भूल जाओगे, तुम्हारी जो फ्रेमिंग है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आंसर फ्रेमिंग का हमें ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट आपका है वो स्पेलिंग। यार इंग्लिश के पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी सारे बच्चों की होती है, तो ध्यान रखना कि इंग्लिश की आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो हमारी गलत ना हो रही हो, क्योंकि यार इंग्लिश के एग्जाम में इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर आपका एग्जामिनर ने अगर आपको देख लिया कि आपकी स्पेलिंग गलत है तो वो आपके मार्क्स काट सकता है। तो इसलिए स्पेलिंग का हमें ध्यान रखना है, हमें वही वर्ड्स लिखने हैं जिनका हमें मतलब पता हो, जिनकी हमें स्पेलिंग पता हो। कोई भी ऐसा टफ वर्ड मत लिखना जिसकी तुम्हें स्पेलिंग खुद ना पता हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है आपका ग्रामर। या ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। ग्रामर में हमें ध्यान से करना है, जब भी तुम कोई सेंटेंस लिख रहे हो तो चेक करना कि उसकी जो ग्रामर है वो सही हो,
ठीक है, खासकर जब तुम पास्ट टेंस लिख रहे होगे तो उसमें चेक करना कि क्या तुम्हारी जो वर्ब की फॉर्म है क्या वो तुमने सही लिखी है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को एनालाइज कराया, हज़ारों बच्चों को एनालाइज कराया, तो ज़्यादातर जो मिस्टेक निकलती है कि जब भी तुम पास्ट टेंस लिख रहे होते हो तो उसमें वर्ब की जो फॉर्म है वो हमेशा हम लोग गलत लिख देते हैं। तो इसलिए ग्रामर का ध्यान रखना कि जब भी तुम सेंटेंस लिख रहे हो तो उसकी जो ग्रामर है वो सही हो, क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर है तो इसमें ये सब चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आपका फॉर्मेट, यार फॉर्मेट का ध्यान हमें रख के जाना है। ठीक है, फॉर्मेट का ध्यान हमें रखना है, और फॉर्मेट बहुत ही आसानी होता है। ठीक है, लेटर का फॉर्मेट आपको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, इसी PDF में दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कर सकते हो। फॉर्मेट का हमें ध्यान रखना है, फॉर्मेट हमें गलत नहीं करके आना है, जो फॉर्मेट CBSE का ऑफिशियल है, ठीक है, मैं तब मैं PDF वगैरह दे दूंगा, उसको ही हमें लिख के आना है। ठीक है, और ये तो फ्री के मार्क्स है ना यार, फॉर्मेट वगैरह एक बार याद कर लो, 2-3 लेटर प्रैक्टिस कर लो, आपके फॉर्मेट में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिसेंटली अभी आपके जो सीनियर्स हैं 12th क्लास वाले बच्चे, उनका इंग्लिश का एग्जाम हुआ था, उन्होंने आके बताया कि भैया पेपर तो बहुत ही आसान था, बट एक प्रॉब्लम आई थी हमें, वो थी टाइम मैनेजमेंट की, पेपर हमारा छूट गया, पेपर बहुत ही लेंदी था। तो ये गलती आपसे ना हो, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपका पेपर ना छूट पाए। ठीक है, देखो टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा रूल है कि हमें किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। ठीक है, वैसे तो यार मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया था, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि देखो जिस सेक्शन को तुम पहले पकड़ रहे हो, जैसे मैंने बोला कि अगर तुम पहले रीडिंग उठा रहे हो उसके बाद तुम इस ऑर्डर में कर रहे हो, तो हमें हर एक सेक्शन का टाइम फिक्स करना है। तो मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, ठीक है, उस चार्ट का जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग हर एक सेक्शन का जो हमारा टाइम है वो फिक्स होगा। तो लेट्स से अगर आप रीडिंग सेक्शन को अगर आप 50 मिनट देते हो तो 50 मिनट में हमें पूरा रीडिंग सेक्शन का वो खत्म करना है। ठीक है, इसमें 5-5 मिनट हमारा पैसेज को रीडिंग करने का टाइम है, और बाकी हर एक क्वेश्चन को हम लोग 2 मिनट दे रहे होंगे, तो रीडिंग सेशन को टोटल अगर मैं बताऊं तो टोटल मेरा 50 मिनट में आराम से रीडिंग सेशन हो सकता है। ऐसे आपको जो ग्रामर और राइटिंग है इसके लिए मैंने 30-35 मिनट दिया था कि 30-35 मिनट में आराम से ग्रामर और राइटिंग को आराम से आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद जो आपका लास्ट आता है, सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है आपका लिटरेचर का। तो लिटरेचर में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, तो इसके लिए इसको मैंने आपको आराम से 85-90 मिनट्स का टाइम दिया था, जिसमें आप आराम से पूरी लिटरेचर को खत्म कर सकते हो। बिलीव मी, अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपको 10-15 मिनट का रिवीजन टाइम मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, तो उसको आप आराम से सेव कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी टाइम मैनेजमेंट की। इसके बाद लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका अंडरलाइन कीवर्ड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं अपने एग्जाम में टाइम करके आया था 10वीं में और 12वीं में भी। तुम कोई भी आंसर लिखो, ठीक है, चाहे वो लेटर हो गया, चाहे वो आपका रीडिंग सेक्शन हो गया, चाहे वो आपका लिटरेचर हो गया, हर एक चीज़ में, हर एक आंसर में तुम अंडरलाइन करके जरूर आना। जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जो भी तुम्हें लग रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लेना अपनी पेंसिल से, या फिर जो भी तुम ब्लू पेन यूज़ करोगे उससे भी कर सकते हो। इससे बहुत बड़ा फायदा ये है कि जब भी तुम्हारा जो पेपर चेक करेगा एग्जामिनर, उसको अगर वो सीधा अंडरलाइन पॉइंट दिख गए, वो उसको पढ़ के तुम्हारे पूरा आंसर को चेक कर देगा। हर एक बच्चा पेपर खत्म होने के बाद भी या फिर शुरुआत में भी आपको अंडरलाइन जरूर करना है। ठीक है, इसको आपको जो रिवीजन टाइम मिलेगा आप उसमें भी इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आता है कि भैया लास्ट डे पे हमें रिवीजन कैसे करना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि भैया जो हमारा लास्ट डे होगा एग्जाम से पहले वाला, उसमें रिवीजन कैसे करना है। देखो लास्ट डे में ज़्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है, हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले बात कि अगर पॉसिबल है, अगर तुमसे पॉसिबल है तो सुबह उठ के जो भी तुम्हारा एग्जाम टाइम होता है ना 10:30 से 1:30 के आसपास है ना, उस टाइम ट्राई कर सकते हो कि अगर तुम्हारे से पॉसिबल है तो एग्जाम से एक दिन पहले यानी कि 26 तारीख को सुबह उठ के एक सैंपल पेपर हर एक बच्चा निकाल रहा होगा, उससे हमारा एक कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें करनी है पूरे दिन में, पहली बात एक बार PYQs जरूर देख लेना। ठीक है, एक बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है उसको एक बार फटाफट ऊपर से देख के जरूर जाना। ये कहाँ से देख सकते हैं, जो लोग पहली बार आए उन्हें को नहीं पता, तो हमने हर एक बुक की, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट, पोएम्स की, हर एक बुक की हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ की एक बुकलेट बनाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हमने ही दिया था। उसका जो लिंक वगैरह है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और उसकी लास्ट में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। लास्ट में हमारा चेकलिस्ट कि भाई एग्जाम से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी हमारी चेकलिस्ट होनी चाहिए। देखो यार, सुबह उठ के कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मम्मी मेरा एडमिट कार्ड कहाँ गया, या फिर मम्मी मेरा पेन कहाँ गया, मम्मी मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। कोई भी अपनी मम्मी को तंग मत करना, ठीक है। सोने से पहले आप एक चेकलिस्ट आपको रेडी करनी है, जिसमें आपका पेन, एग्ज़ाम का बोर्ड, बॉटल अगर आप लेके जा रहे हो, ठीक है, और ब्लू पेन 3-4 रख लेना ताकि आपका बैकअप हो, कोई एक पेन ख़राब हो गया तो आपके पास और भी होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड, स्कूल का ID कार्ड और स्कूल की यूनिफॉर्म, ये सब सोने से पहले ही रेडी कर लेना, ताकि सुबह हम
मतलब हड़बड़ी ना कर रहे हो, ठीक है, हम अपनी मम्मी को परेशान ना कर रहे हो, ठीक है। तो सोने से पहले ये चेकलिस्ट जो है इसको हमें रेडी करना है। इसके अलावा यार जितने भी बच्चे दिल्ली के हैं जिनका एग्जाम सेंटर दिल्ली में पड़ा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना कि आपका स्कूल कौन सा है, आपका स्कूल किस सेंटर में पड़ा है। जिसके सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, उस स्कूल में हम एग्जाम के बाद आएंगे, आपसे मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, आपका रिएक्शन लेंगे कि आपका एग्जाम कैसा गया, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो एक बड़े भाई की रिक्वेस्ट पे नीचे कमेंट कर देना कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट में बस इतना बोलूँगा कि भाई फोड़ के आइयो, ठीक है, मुझे बिलीव विद रेपर के तो फोड़ के आएगा। खुद पे बिलीव करना, ट्रस्ट करना, कॉन्फिडेंस रखना कि एग्जाम में मैं फोड़ के आऊँगा, जो आने वाला एग्जाम है वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एग्जाम होगा, और बिलीव में तू फोड़ के आएगा।